रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आप सबको एक ये बताया था, एक्स पाथ बताया था, वो कैसे निकालना है, कैसे ही ये करना है, राइट। अभी हमें ये देखना है कि कौन से टैग्स होते हैं, जैसे कि कौन से टैग कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, जो अपना एडिट बॉक्स होता है जिसमें हम लोग वैल्यू भरते हैं, यूजर नेम पासवर्ड होगा, राइट। वहां पे आपको उसका टैग मोस्टली इनपुट होता है और उसमें हम लोग सेंड कीज लगाते हैं राउंड ब्रैकेट में, वो ऐसा लिखता है, डॉट सेंड कीज होता है। फिर रेडियो बटन होता है, राइट। आप बताए रेडियो बटन के हम लोग क्या करते हैं, वो इन उसका भी टैग इनपुट ही होता है, उस पर हम लोग मोस्टली डॉट क्लिक लगाते हैं। ठीक है, फिर जो लिंक होता है ना, हाइपर लिंक, जिससे वो लिंक करने के क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका टैग होता है एंकर टैग होता है। लिंक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक ही करते हैं। जो ड्रॉप डाउन होता है उसका टैग होता है सिलेक्ट टैग होता है, सिलेक्ट टैग होता है, लेकिन इसका वे थोड़ा अलग होता है, इसके बारे में देखते हैं। और कौन सा होता है, क्या लिंक हुआ, हाइपर लिंक, ओके। बटन होता है कभी कभार, उसका क्या बोलते हैं, बटन होता है, उसके ऊपर हम लोग भी क्लिक करते हैं। जो हम लोग मोस्टली प्रोसेस करते हैं वही उसका मेथड बनाया उन्होंने, राइट। तो कल हम लोगों ने बेसिकली जस्ट फिलअप किया था एक फॉर्म, तो आज हम लोग उस फॉर्म का आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये किया था, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक किया था, उसके बाद हम लोग यहाँ तक फिलअप किया था। अभी मुझे क्या करना है, यह इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चूज करना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बेसिकली ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन हैंडल करने के लिए एक वे अलग होता है, थोड़ा अलग वे होता है। इसका इंट्रो में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिए ये इंट्रो का फेवरेट क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन ऐसा होता है, हाउ विल यू चूज अ वैल्यू फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन, राइट। हाउ विल यू चूज वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन से वैल्यू कैसे करते हैं। इसका आंसर है, फर्स्ट है, वी नीड टू कन्वर्ट कन्वर्ट आवर वेब एलिमेंट इन टू सिलेक्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, वी हैव टू यूज सिलेक्ट क्लास मेथड्स इन बिल्ड मेथड। वो कौन से हैं, सिलेक्ट बाय वैल्यू, सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, इसके और होते हैं गेट और ऑप्शंस। यहाँ पे वैल्यू होता है, यहाँ पे इंडेक्स होता है, जैसे 1 2 3 जो भी इंडेक्स है, सिलेक्ट बाय वैल्यू, आपको वैल्यू पेस्ट करना है। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं अभी। तो ये मेथड्स है, मेथड से इसके आगे में डॉट लगा रहा है। ठीक, तो पहला क्या करना होता है, जैसे कि फर्स्ट थिंग जो होता है, वी नीड टू फाइंड फाइंड दी वेब एलिमेंट। कैसे करते हैं हम लोग, वेब एलिमेंट जो भी है, जैसे अभी इस केस में मेरा डे डालने वाला, डे ऑफ बर्थ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ऐसा होता है।
बराबर है, तो ये मुझे वेव एलिमेंट मिल गया। फिर ये सेकंड पॉइंट पे मैं इसका कन्वर्ट करूंगा, थर्ड पॉइंट इसमें मिल गया। तो हम लोग ऐसे ही इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो पहला टास्क क्या रहेगा मुझे ये चूज करने का, देखिए ये जो सिलेक्ट है ना, आप मुझे बताइए इसका कौन सा, इसका टैग नेम क्या है बताइए। सिलेक्ट एग्जैक्टली कैसे इनपुट करना है, कंट्रोल अप किया, डबल स्लैश सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे देखिए चार ऑप्शन मिले, चार नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए राइट, उसमें से तो हमें वो ढूंढना है। तो पहले से ही मेरा काम बनता है, देखो नेम नेम लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। आया, मैंने जैसे बताया वन अपॉन आना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वन अपॉन आ गया। तो अपना जो स्क्रिप्ट था कल का उसी को कंटिन्यू करते हैं, वेब एलिमेंट डे ऑफ बर्थ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। वेब एलिमेंट मंथ ऑफ ईयर मंथ ऑफ बर्थ वही करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ईयर ऑफ बर्थ ठीक है, अब मुझे इसका भी निकालना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बर्थ मंथ के अगर तो काम बन जाएगा। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, ईयर का भी निकालना है, देखते ईयर का कैसे निकालना, बर्थडे ईयर। और याद रखिए इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर, उनका फेवरेट क्वेश्चन ये। तो मैंने स्टेप फर्स्ट हो गया मेरा राइट, वेब एलिमेंट फाइंड किया मैंने, और इसके बाद मैं इसका सिलेक्ट डे इक्वल टू न्यू सिलेक्ट, और ये जो आपका वेब एलिमेंट यहाँ पे आपको पास करना होता है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये छोटी मोटी सिंटेक्स है ना आपको याद रखना पड़ता है तभी आपको पता चलेगा। तो सिलेक्ट का देखिए एस कैपिटल होता है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट, यहाँ पे रेड लाइन आया, तो इसको यहाँ पे क्लिक किया तो इम्पोर्ट आकर गया, तो इसकी जो सपोर्टिंग फाइल है ऊपर इंपोर्ट हो गए। तो जैसे डे डॉट सिलेक्ट बाय वैल्यू, देखिए इंडेक्स दिख रहा है, अभी वैल्यू डाल रहा, अभी मेरा बर्थडे थे 19 है, तो ये सब स्ट्रिंग में होता है, देखिए तो 19 लिखा मैंने। उसके बाद मंथ चूज करना है मुझे, तो मेरे पास मैंने मंथ का क्या किया, ये वाला चूज किया, तो जैसे सेम लॉजिक सिलेक्ट MON इक्वल टू न्यू सिलेक्ट, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला मंथ ऑफ बर्थ, तो MON डॉट सिलेक्ट बाय वैल्यू लिखता हूँ, वहां पे क्या है देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ देखते हैं, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मंथ के केस में देखिए, नाउ टेल मी जी जानवरी इसकी वैल्यू क्या है बताइए। वन वन है, वन फेब की वैल्यू क्या है टू है, अगर आप सिलेक्ट टू बाय वैल्यू करते हो तो आपको ये पास करना पड़ता है, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा राइट। जैसे मेरा बर्थ ईयर मंथ है दिसंबर है, तो मुझे डी सी पार्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं सिलेक्ट बाय वैल्यू नहीं करूंगा, क्या करूंगा सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट करूंगा, और इसके अंदर DEC करूंगा, फिर सेम लॉजिक से मुझे ऐसे करूंगा मैं, सिलेक्ट ईयर इक्वल टू न्यू ईयर डॉट सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट करता हूं, मेरा बर्थ ईयर है 1989 ठीक है,
ले स्टार्ट नाउ, मतलब ये छोटा सा ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने का। ऐसे ऑटोमेशन होता है पता है क्या, तो आपको भी अभी थोड़ा अच्छा लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग, मैं आपको असाइनमेंट दे जाऊंगा, आप उसका ऑटोमेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर ये जाएगा, देखिए अभी इस पेज पे उसे लॉन्च किया होगा, अभी ये इसके ऊपर क्लिक करने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबके वैल्यू ले रहा हूँ, तो योगेश लिखा, ये मेरा सरनेम लिखा, ईमेल लिखा, मैंने पासवर्ड भी डाल लिया, देखिए उसने सब किया होगा क्योंकि वर्किंग कोड था, राइट, ये सब सब लाइक दिस पॉइंट पे। अभी इसके बाद क्या करना है मुझे, जैसे मैंने बताया मुझे बर्थ ईयर निकालना है, तो यहाँ पे मैंने चूज किया, मैंने पहले इसका वेब एलिमेंट निकाला। अभी बर्थ ईयर क्या है, मैंने इसको कन्वर्ट किया है उस सीरियड क्लास में जैसे मैंने बताया था, राइट। अभी यहाँ पे आप बताइए डेट क्या है, यहाँ पे 18 है, राइट, अभी ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, देखिएगा किया उसने 19, और मंथ कौन सा है, अक्टूबर है। अभी वो चेंज करेगा और यहाँ पे क्या डालेगा, देखो ये कुछ तो फट गया, बराबर कि नहीं, देखते हैं। तो इसका मतलब हम लोग रीड करते हैं उसका क्या गलत हुआ, तो इसका जो एक शायद एक बात गलत हुआ होगा, तो अब यहाँ पे पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। नो एसच एलिमेंट एक्सेप्शन एन फाइंड, ये कुछ तो एक्सेप्शन है जो मैंने गलत लिखा है, बर्थडे मंथ वाला कुछ तो गड़बड़ किया, देखते बर्थडे मंथ ने क्या गड़बड़ किया। नेम है उसका बर्थडे मंथ, ओके नेम से कर रहा हूं, तो देखते मंथ के केस में क्या उसने ऐसा गड़बड़ किया। देखो बाय बर्थडे मंथ का मैंने एक्सपायर गलत लिखा था, ये लिखना चाहिए था उसके अंदर, वो आपको कॉपी करना चाहिए था, राइट। ठीक है ये सही हुआ, आप इसे ऐसे रन करते हैं, तो अपना यहां तक सही आया था, चलिए अभी सही गया। देखते हैं अभी यहाँ पे अक्टूबर मंथ था, राइट, अभी वो दिसंबर चूज करता है, देखते हैं, देखिएगा। और जो ईयर था 2023 था, नाउ यू कैन सी इट विल चूज द करंट ईयर, मेरा जो बर्थ ईयर था वो चूज किया, देखिए उसने चूज किया, आया कि नहीं, ठीक है। फिर हमें मुझे जेंडर भी चूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे जेंडर का एक्सपायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आप इसका भी इनपुट देखिए क्या है, ये भी जेंडर का भी क्या होता है, टैग नेम इनपुट होता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले जाऊँ ये वाला, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल स्लैश इनपुट ये किया मैंने, फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेल के ऊपर टाइप में यहाँ पे
रेडियो लिखता है, एट द रेट टाइप इक्वल टू सिंगल कोट रेडियो। देखिए यहाँ पे कितने दिख रहा है प्रो, वन ऑफ थ्री लिख रहे हैं। मैंने क्या बताया था, वन ऑफ थ्री दिख रहा है मतलब आपको एक के काम करना है। देखिए वो बता रहा है राइट, तो हमें यहाँ पे उसकी और एक कैपेसिटी देना है, जैसे वैल्यू देना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे वैल्यू टू करता हूँ, तो इसी को ही आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूँ। एट द रेट वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट में आप टू दीजिए, आपको एट एनी कॉस्ट वन अपॉन आना चाहिए। देखिए वन अपॉन आ गए, अभी मुझे इसके लिए निकालना है, तो मैं वापिस से यहाँ पे लिखूंगा वेव एलिमेंट जेंडर इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपायर राइट। अभी अभी ये जो जेंडर है उसके ऊपर हम लोग क्लिक करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब वापिस से करते हैं। ऐसे ऑटोमेशन होता है, आपको वन बाय वन आगे बढ़ना। ठीक है, यहां तक तो हम लोग आ चुके थे, अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ओके, ये कहीं पे तो फट गया। देखते कहाँ पता है, ये फर्स्ट नेम में इसके प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, ठीक है, आ गए हैं, अभी हम लोग टाइप करते हैं। देखिए किया उसने मेल पे, अभी मैं ये साइनअप कर दूंगा तो मेरा एक अकाउंट बन जाएगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में, सर्वे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे मतलब यहाँ पे कुछ चीजें जैसे ये सीखना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे आपको बस कोई भी पेज लेना है, इसको ऑटोमेट करना है। ठीक है, सिंपल वही खेल है, क्या है, एक्सपाथ निकालना है और उसके ऊपर ऑपरेशन करके आगे बढ़ना है। सर, बटन का करके लिखा हूँ ना एक बार, बटन का नहीं हो रहा है मेरा, बाकी सब हो रहा है लेकिन बटन का नहीं हो रहा है। कौन सा बटन वाला मैडम बोल रहे हैं, वो वो लॉगिन लॉगिन ये वाला। ओके, लॉगिन लॉगिन दोनों इसका एक्स पास चाहिए। ओके ही नहीं हो नहीं रहा है, हो रहा है, क्रिएट बटन का भी नहीं हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है, बाकी बाकी सब हो सब हो रहा रहा है। आपका ब्राउजर ओपन हो रहा है राइट। है। हाँ ब्राउजर हाँ, ओपन, वो ईमेल एड्रेस भी जा रहा है, पासवर्ड भी जा रहा है, लेकिन लॉगिन बटन का नहीं, और क्रिएट न्यू अकाउंट देखो वन अपॉन आ गए, इससे ट्राई करो। आपने ये एक्सपर्ट किया है, हाँ एक बात है, ही है क्या अलग है। नहीं यही है ऐसा। ओके, तो अभी आप क्या करो ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा जैसे आप यूजर ने पासवर्ड डालते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा वेट डाल दीजिए। मतलब जैसे कि इस केस में अभी मान लीजिए यहाँ पे मैंने अकाउंट डॉट क्लिक किया राइट, तो क्लिक होने के बाद वो दूसरे पेज पे नेविगेट होने थोड़ा टाइम लेगा राइट। हाँ यहाँ पे आप है ना थोड़ा 3-4 सेकंड का डिलीवरी करेंगे, 3,000 मतलब 3 सेकंड यहाँ पे, तो थोड़ा काम आ जाएगा। इसको मैं ओवर करता हूँ तो बराबर थ्रोज करेगा। अभी ट्राई कर दे, ऐसा ऐसा करके ट्राई करते हैं। ठीक ठीक है, है, यस सर।
ओके सर okay. पर 3,000 म्हणजे थ्री सेकंड. मिली सेकंड, ओके मिली म्हणजे 10^-3, राईट? म्हणून 3,000 लिहिलं की ते पॉवर कट होऊन जाईल ते. ओके सर. आणि ते इक्लिप्स मध्ये तुम्ही डिबग करताना ते स्टेप इनटू आणि स्टेप ओवर मध्ये काय फरक आहे दोघांमध्ये? मॅडम, स्टेप इन टू म्हणजे काय असतं, त्या मेथडच्या आतमध्ये मला जायचं असेल ओके तर स्टेप इन टू करायचं, कारण तो मी लिहिलेला कोड आहे, राईट? म्हणजे जो कोड तुम्ही लिहिला आहे त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला जायचं असेल तर स्टेप इन टू करायचं. जसं की फॉर एक्झाम्पल, आता आम्ही इथे लिहिलं system.out.println आणि इथे हाय लिहिलं. ही पण एक मेथड आहे, माहिती आहे का? प्रिंटलाईन नावाची एक मेथड आहे, पण ही मेथड मी लिहिली आहे का? नाही. ओके नाही. मग स्टेप वर दाबायचं, ओके ठीक आहे? तुम्ही स्टेप इन दाबू शकता, पण इश्यू त्याचा उपयोग काहीच होत नाही, बघायचं का? त्याने काहीच करू शकत नाही. त्याने मी स्टेप इन जरी केलं, इथे स्टेप इन टू दिखा, एक स्टेप इन टू, तुम्ही त्या मेथडच्या आत मध्ये, त्याच्यामध्ये तुमचं काही लॉजिकच नाही. हे बघा, ते विना कारण ज्या मेथडमध्ये तुम्ही काम केलंय, तुमचा कोड असेल किंवा तुमचं कोणीतरी लिहिलेलं असेल कोड, त्या कोडला तुम्हाला डिबग करता केस मध्ये स्टेप इन टू करा, नाही तर स्टेप फोर करा, बेस्ट ऑप्शन. मग आता जर फॉर लूप वगैरे लिहिलं असेल तर त्याच्यामध्ये स्टेप इनटू करावा लागेल ना, स्टेप हाँ, ओवर नाही करावा. फॉर लूप हा मेथड आहे का सांगा मला? नाही. नाही. बरं, मग त्यामध्ये तुम्हाला स्टेप ओवर कर का स्टेप इन टू कर, सेमच असणार आहे. ओके आपण मोस्टली ना स्टेप ओव्हरच करतो, पण जेव्हा तुम्ही लिहिलेल्या मेथडच्या आतमध्ये जायचं असेल तर स्टेप इन टू करायचं, थँक यू सर. ठीक आहे? और किसी को डाउट है बताइए. हाँ हॅलो बोला. सर, ते एक्सपाथ मध्ये जे आपण इनपुट जे घेतो ते टॅग नेम असतं, हो, आणि बरोबर. त्याच्यानंतर जे ऍट द रेट पासून जे स्टार्ट होतं त्याला काय म्हणतो तो आपण? सिंटॅक्स है बेसिकली. सिंटॅक्स आहे का? हाँ, तो सिंटॅक्स आपण इथे लिहून दिला ना साहेब, बघा ना, तो सिंटॅक्स आहे ना, तो वरती लिहून दिलेला आहे. तो सिंटॅक्स कुठे गेला? तुमच्याकडे ही फाईल आहे का साहेब? हे बघा, चालेल. हो आहे सर. बॅकेट टाकलं, ऍट द रेट प्रॉपर्टी नेम आणि प्रॉपर्टी व्हॅल्यू, बरोबर? ठीक सगळं बाय रूल चालतं, काही चेंज नाही म्हणजे, ठीक है. आहे? चलो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अभी अभी मुझसे गलती हो रहा था कुछ कुछ जगह पे कि मेरा कोड नहीं चल रहा था, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, और वहां पे कुछ तो जब मैं रन कर रहा था कुछ तो रेड कलर में आ रहा था, बराबर? रेड कलर में आना बुरी चीज होती है, याद रखिएगा, बराबर ना? राइट. तो उसे हमें हैंडल करना होता है, इसे बोलते हैं एक्सेप्शंस बोलते हैं. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखे हो, पहले हम लोगों ने जावा के एक्सेप्शन देखे थे, अभी हमें सिलेनियम के भी कुछ एक्सेप्शन देखना है. इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो तो चार पांच है बहुत फेमस है. अभी कोई मुझे बताएगा, अभी मेरा जो नहीं चल रहा था कौन सा एक्सेप्शन शो कर रहा था, जब मेरा एक्सपाथ गलत था क्या आ रहा था? अरे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. ऐसा क्यों हो रहा था, कोई मुझे बताएगा? इसका पीछे का लॉजिक ये होता है, किसी को पता है या फिर मैं बताऊं? डाउनवर्ड तो वेब एलिमेंट नष्ट. राइट. जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इस पेज पे ये जाके ढूंढो, तो अगर है तो बढ़ेगा. ये वाला नंबर है क्या, बताइए? अभी ये मैंने कुछ तो डाला है, ये है क्या इस बात उस पेज पे? नहीं है. उसको मिलेगा क्या? नहीं है, राइट? आपको नहीं पता ही नहीं नो करना क्या है. तो इस केस में सिलेनियम क्या करेगा? वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं है, तो इसीलिए वो एक्सेप्शन कौन सा थ्रो करेगा? नो सच एलिमेंट. नो सच मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जो मुझे तू बोल रहा है कि ढूंढ ले, बराबर ना? फाइंड मतलब फाइनली मतलब ढूंढना होता है, राइट? देखिए, अभी ये मेरा मैंने लिखा हुआ मेथड नहीं है, इसलिए मैं इसे स्टेप ओवर कर रहा हूँ. ये भी मैंने लिखा हुआ मेथड नहीं, इसे स्टेप ओवर कर रहा हूँ. ये भी नहीं है, देखिए, बाबा पंखा काम नहीं करता. क्या मतलब? देखिए, अभी आप बताइए, ये एलिमेंट अभी ये एलिमेंट है क्या उस पेज पे? नहीं है. और उसने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया, देखते हैं हम लोग. नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, बराबर कि नहीं?
तो ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, व्हेन सिलेनियम ट्राइज टू फाइंड अ एलिमेंट बट नॉट एबल टू लोकेट एट दैट टाइम, सिलेनियम थ्रोज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। बराबर है, ऐसे बहुत सारे हैं। नो सच एलिमेंट की जगह एलिमेंट होता है ना, वैसा एक विंडो भी होता है। हम लोग थोड़े दिन के बाद आएंगे इसके ऊपर, विंडो एक्सेप्शन आएंगे। मतलब ऐसा वो विंडो सर्च कर रहे हैं, विंडो नहीं मिलेगा, वैसा ही नो सच विंडो है, वैसे अलर्ट नाम का भी एक होता है, वैसे ही एक फ्रेम नाम का भी होता है। विंडो के बाद क्या लिखना फ्रेम है, फ्रेम लिखना है, सॉरी। ओके, उसके बाद नो सच है ना, फ्रेम आई एम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे टाइम आउट एक्सेप्शन भी होता है, फिक्स वाला, स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा था, ये और ये इम्पोर्टेंट है। इंट्रो में स्टेल एलिमेंट बहुत पूछते हैं। आपको पता है स्टेल का मीनिंग क्या होता है मराठी में? स्टेल का मीनिंग पता है क्या होता है? सॉरी, गार्बेज गार्बेज या मतलब सड़लेला जब मन तो अपन नहीं, स्टेल मुझे चोरी होना, म्हणजे काय चोरी होना, कशाला म्हणतो, आता होतं पण आता गायब झालं ते, बरं ना। तुम्ही कुठं गणपतीला वगैरे गेला, खिशात मोबाईल असतो, 5 मिनिटापूर्वी होता, लगेच गायब झाला, मग तो स्टेल झाला। याचा अर्थ काय होऊ शकतो, स्टेल एलिमेंट, मग तो एलिमेंट होता पेज वरती पण तो आता गायब झाला। बरोबर, तो ऐसा एक्सेप्शन आता है। तो ये होता है एलिमेंट वॉज प्रेजेंट ऑन दी पेज बट ड्यू टू सम रीजन इट इज नॉट अवेलेबल। तो इसके रीजन कौन से होते हैं? मोस्टली जो होता है ना, वो पेज रिफ्रेश होता है, एक रीजन हो सकता है, ये हो सकता है, या बैक के जो ड्रॉप डाउन की लिस्ट होता है ना, आपने ये देखा होगा कभी कभी, जैसे मैं जो कंट्री चूज करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसके सिटी स्टेट आ जाते हैं। जैसे मैं इंडिया चूज करूंगा तो इंडिया के सारे स्टेट दूसरे स्टेट मतलब दूसरे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। जैसे मैं यूएसए चूज करूंगा तो यूएसए के सारे स्टेट्स आ जाएंगे। तो ये होता है रिफ्रेशिंग वाला पार्ट, क्योंकि ड्रॉप डाउन चूजिंग वाला, जैसे आप ड्रॉप डाउन चूज करते हो वैसे ही आपका वो काम बन जाता है। किसी का डाउट है इस केस में? नो सर, ओके, इसके बाद आता है टाइम आउट एक्सेप्शन। टाइम आउट मतलब कैसे होता है, इट इट इज बीन वेटेड, बीन वेटेड मतलब वेट केला बट स्टिल एलिमेंट नॉट नॉट एबल टू लोकेट एट दैट टाइम इट थ्रोज टाइम आउट एक्सेप्शन। इट ऑकर्स इन केस ऑफ एक्सप्लिसिटली वेट, उस केस में आता है।
किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ते एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल ते कशा मारे था कुठला आला ते एलिमेंट नॉट इंटरेक्ट। एक्सप्लिसिट मध्ये येतो, म्हणजे की कधी कधी तुम्ही ऑब्जर्व, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एलिमेंट होता है पेज पे, राइट, लेकिन आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर पाते, बराबर ना, तो उससे बोलते एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। सर मत केस मध्ये कसं हँडल करायचं ते एक्सेप्शन कुठलं आलं, मग ते त्याला थोडस वेट, एलिमेंट। एक्सप्लिसिट वेट देऊन द्यायचं, मी सांगतो मग त्यामध्ये। आता आपण तोच करणार आहे, हे जे वेट आहे ना ते हेच करणार आहे। अभी का जो टॉपिक्स है इसका नाम वेट्स इन सिलेनियम। एक्चुअल में तीन टाइप के वेट है, फर्स्ट है इम्प्लिसिटली वेट, दूसरा है एक्सप्लिसिट तीसरा है फ्लूएंट वेट्स। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन चलते हैं, तो इसके बारे में हमें चार पॉइंट लिखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका इंटरव्यू कभी खत्म होगा ही नहीं, याद रखें, क्योंकि इसके बारे में कुछ होता ही नहीं है। इट इज अ ग्लोबल वेट, इट एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स। तीसरा पॉइंट आता है इट टेल्स टू ब्राउजर टू वेट सर्टन टाइम बिफोर थ्रोइंग एंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसके सिंटेक्स इंटर में बहुत पूछते थे, बोलते हैं कि इसका सिंटेक्स बताइए, तो ड्राइवर डॉट मैनेज टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट और यहाँ पे सेकंड्स होते हैं, और यहाँ पे होता है टाइम यूनिट यूनिट डॉट सेकंड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सेकंड्स होते हैं, यहाँ पे सेम आता है, और यहाँ पे मिली सेकंड आता है, आवर्स आते हैं, डेज आते हैं। और कोई मुझे बताएगा कि किसका एग्जांपल है, आपका क्या लग रहा है, आपका मेथड नेम सेम है बट आपका पैरामीटर अलग है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ओवरलोडिंग एग्जैक्टली, बढ़िया है। तो इंटरव्यू में पूछते हैं इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज्ड मेथड ओवरलोडिंग, इसका आंसर क्या है आपका, इन इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। बिफोर दैट मुझे आपको एक चीज बताना है, हम लोग अब एक टाइमर लगाने वाले हैं, ठीक है, और उस टाइमर का क्या यूज होगा आई विल शो यू ऑनलाइन टाइमर। मैं जैसे स्टार्ट रिसेट करता हूँ, और जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो ये टाइमर चालू हो जाएगा, ठीक है, लेट्स सी, इसको मैंने रिसेट किया। अभी मुझे आपको क्या बताना है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं देखिए, मैं यहाँ का टाइमर ऑन कर रहा हूं,
देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ के जैसे मैं यहाँ का टाइमर ऑन करता हूँ, ओके, मैं यहाँ का जो अपना जी है ना, इसको रिज्यूम करता हूँ, उसने इमिजिएटली थ्रो किया ना एक्सेप्शन, मतलब कितना टाइम लगा उसने, 2 सेकंड के अंदर उसने बता भी दिया ना। हेलो हेलो, यस उसने सर, इमिजिएटली सर्च किया, उसको नहीं मिला, बराबर है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो, उसने वेट किया क्या, हाँ वो एलिमेंट है नहीं है, उसको इमिजिएटली उसने देखा नहीं है, बराबर ना। जैसे मान लीजिएगा आपको, आपने कहीं पे आपको जाना है मूवी के लिए, आपने 2 टिकट निकाले, शो का टाइम होगा 3 बजे का, आप बराबर 3 बजे पहुंचे वहां पे, लेकिन आपका दोस्त नहीं आया, तो नाउ टेल मी आप क्या करोगे उसके लिए, वेट करोगे आगे जाओगे मूवी के लिए, क्या करोगे? वेट करेंगे, एग्जैक्टली वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही उसका ये हुआ तो इमीजिएटली वो सर्च करने लगा, नहीं मिला, हाँ वो अंदर गया मूवी देखने के लिए, ये बुरी बात है ना, राइट। तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है वो ट्रैफिक में कहीं फंस गया होगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है इसलिए थोड़ा स्लो लोड होता होगा, बराबर ना, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक वेट नाम का कॉन्सेप्ट लाया, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट, दिख रहा है इम्प्लिसिटली वेट, और आपको मैं यहाँ पे अभी मैं आपके लिए मैं यहाँ पे 60 सेकेंड लगा रहा हूँ, टाइम आउट नहीं सही कहा है मेरे, टाइम यूनिट यूनिट डॉट सेकंड्स करता हूँ। तो जैसे बताइए अभी के केस में, अब उसने क्या किया, डिफॉल्ट टाइमिंग इम्प्लिसिट वेट कितना होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो डिफॉल्ट टाइमिंग क्या होता है, कितना सेकंड होगा, 0.0 एग्जैक्टली, सो डिफॉल्ट वेट इज 0 सेकंड, ओके। अभी मैंने क्या किया, इसके मतलब क्या हुआ, अगर उसको इमिजिएटली नहीं मिलेगा तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नो सच एलिमेंट करेगा, और आपका कोड क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा, बराबर है। हेलो सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, यस अरे बाकी लोग बोलो कुछ तो, ठीक यस सर, है। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कितना लिखा है, 60 सेकंड, इसका मतलब अगर वो इसको एलिमेंट नहीं मिलेगा तो कितने देर तक वेट करेगा उसका, 60 सेकंड, एग्जैक्टली, तब सिक्सटी तक ये सेकंड पेज लोड हो जाएगा, कुछ ना कुछ इश्यू सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। यस सर, अभी के केस में नहीं देगा, लेकिन क्योंकि मैंने एक्सपाती गलत डाला है, स्टिल ये कितना सेकंड तक वेट करेगा, सिक्सटी राइट, ये बहुत बढ़िया चीज है, लोग मैं आपको ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाना, ओके। मैं अभी रिसेट कर रहा हूँ, अभी इसको स्टार्ट भी करता हूँ और इसको रिज्यूम भी करता हूँ, और उन्हें डाल, देखिए उसने एक्सेप्शन थ्रो किया था क्या, इससे पहले इमीजिएटली किया था ना, देखो अभी वो कितना सेकंड वेट करेगा, 60 सेकंड पे वेट कर, कहाँ गया अपना बाउजर, अरे देखिए वो नहीं करेगा, आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये होता है इम्प्लिसिट वेट का इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है आप क्लिक करते हो उसको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप इम्प्लिसिट यूज नहीं करते हो तो आपका स्केप फेल ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको वेब एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा ही नहीं, मैं भी आराम से देख रहा हूँ, मुझे पता है एक एक मिनट का टाइम लेगा ही वो, जैसे मैं यहाँ पे 4 आ जाएगा मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है, अभी भी वेट ही कर रहा है, क्योंकि मैंने वो वहां से स्टार्ट करने के बाद 2-3 सेकंड नहीं आया, अभी देखते हैं, अभी 1-2 सेकंड आया कि नहीं, देखिए इमिजिएटली किया कि नहीं उसने वेट, यस सर, ये यस सर, इम्प्लिसिट वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका काम क्या होने वाला है, हल्का होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बराबर ना, अपना ये इंडियन रेलवे की तरह, या फिर ऐसा है कि जो टाइम पे आते हैं सारे, लेकिन कुछ कुछ अपने दोस्त होते हैं वो टाइम पे कभी आते ही नहीं, राइट, हमेशा लेट करते रहते हैं, तो करना पड़ता है कभी कभार।
इम्प्लिसिट वेट इज इम्पोर्टेंट, गॉट इट। उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट वेट। इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज स्पेसिफिक टू वेबिलिन, ठीक है। इट वेट अंटिल द कंडीशन मैचेस, ऑलराइट। अभी ये स्पेसिफिक टू वेव एलिमेंट क्यों रखा होगा, कोई मुझे बताएगा क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? जो ड्राइवर का स्पेसिफिक बटन या फिर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह। नहीं देखिए, इसका मतलब कैसे होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम किसी के शादी में गए जाते हैं, राइट, अगर कोई गेस्ट लेट आता है तो शादी रुकती है क्या? नहीं, राइट, नो उनका शादी तो हो ही जाता है। लेकिन शादी में सब लोग टाइम पे आए, लेकिन जिनकी शादी होने वाली या ब्राह्मण वो ही लेट आया, तो आपको रुकना पड़ेगा, यस राइट। तो कैसा, ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ बटन ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लिंक ऐसे होते हैं, उनको आपको पता है वो ज्यादा टाइम लेते ही हैं इनेबल होने के लिए या फिर एक्शन करने के लिए। कोई तो मुझे बोल रहा सर एलिमेंट नॉट इनक्रेडिटेबल क्या होता है, तो उस केस में आपको, आप उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे, भाई तू 10 15 मिनट ज्यादा टाइम ले ले, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ऐसे टाइम पे आप, हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली वेट लगाएंगे। समझ में आया आपको? मतलब कभी कभार होता है ना, सब सबके लिए एक रूल होता है, लेकिन अपने रिलेटिव के लिए अलग रूल होता है, बराबर ना। अगर मतलब किसी का बेटा का कोई क्या बोलते हैं, कोई गुनाह करे, तो उसको कुछ भी सजा देने के लिए रेडी होते, लेकिन वही अगर आप उसके बेटे ने खुद के किया था, तो उसके लिए छुपाने के लिए रेडी होते, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे चलता है। तो एक्सप्लिसिटली वेट मतलब क्या होता है, इट इज स्पेसिफिक टू वेब एलिमेंट, ना कि वो सबके लिए होगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? ठीक यस है, तो इसका एक सिंटैक्स है छोटा सा, वो हम लोग देखते हैं और हम लोग बस करते हैं आज के लिए। एक्सप्लिसिट, ठीक अरे बाबू है, इसका छोटा सा सिंटेक्स है, हम लोग वो लेते हैं। ये ना इसके इंटर में ये पूछते हैं कौन से कंडीशन है, इसके बहुत सारे कंडीशन देखिए, वो आपको याद रखना पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 18 है। भाई किसका आवाज बज रहा है रे? हेलो, किसके वास्ते थे? एक मिनट, पता नहीं क्या बज रहा है। ठीक है, तो इसका मैं सेंटर देता हूँ, ये एलिमेंट इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट आर दोज कंडीशंस, इतने सारे कंडीशंस है, तो इसमें से अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको पढ़ेगा, मतलब चलेगा इसका। ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। ऐसा बहुत बार होता है कि आपका एलिमेंट क्लिकेबल होने तक वो होना चाहिए, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो और वो जब तक इनेबल नहीं होता, राइट, सारे डिटेल्स नहीं बढ़ते तब, ये इम्पोर्टेंट है। विजिबिलिटी ऑफ बी, कुछ कुछ एलिमेंट डिसेबल होते हैं, दिखते ही नहीं,
ये वाला होता है, ऐसे आपको कोई भी 4-5 रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा इसका सिंटैक्स बहुत बार पूछते हैं, इसके सिंटैक्स पे ऊपर सारा खेल है। फिर यहाँ पे ना मोस्टली सारा खेल जो है वो सिंटैक्स के ऊपर ही है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे वही कोड है, देखो इस वेट को ये लिखा बरा अंटिल लिखना ही पड़ता है, एक्सपेक्टेड कंडीशन। और आप ऑब्जर्व करोगे विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, तो आपको ये नीचे कहीं पे जो मिले दिख रहा है, शायद इसकी जगह में ये भी डाल सकता हूँ एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये वाला सब सिंटेक्स सेम रहेगा, बस आपका ये वाला पार्ट चेंज रहेगा। तो ये वेट करेगा तब तक जब तक ये नहीं मिलता, जब तक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पे याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक्सप्लिसिट वेट मतलब उसका जो कंडीशन है, इसमें से आप जो देंगे तब तक वो वेट करते रहेगा। इस केस में क्या रहेगा, ये जो एलिमेंट है ये जब वेट करेगा कब तक, जब तक वो एलिमेंट क्लिकेबल नहीं हो रहा तब तक, राइट। सो इस केस में इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड इट throws timeout exception, ठीक है। किसी को अभी डाउट है क्या बताइए मुझे। हेलो सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, अभी यस सर, चलेगा। फिर तो आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं सेम टाइम पे।